पूरा खर्च हो गया। ये सहाबा किराम थे और आगे बढ़ के तारीख के अंदर दरी वाला पलट गए। जंगे तबूक का मौका है, जंगे तबूक जिसको दूसरा भी कहा जाता है, रूमियों से मुकाबला है। रूमी कौन जमाने सुबह बाबर हुआ करता था, उससे मुकाबला है। मुसलमान कदार में कम थे, गुरबत से दुसार थे, कुछ लोग मक्का से मदीना आए हुए थे, घर से बेघर थे, असल वो गरीबी फकाहारी दिलाते थे। ऐसे मौका पर मुकाबला किससे है? रूम से मुकाबला है। रूम कौन है? सुबह बाबर से मुकाबला है। बहुत ही सख्त वक्त थे। अगर मौला कहे लोगो सदका करो, अल्लाह का खर्च करो, जिससे जो हो सका खूब दिया, खूब दिया। हर्षवाज गली ने इस मौके पर 900 ऊंट दिया, उन्हें 200 उन्होंने 200 घोड़ा शाम के लिए रवाना करना चाहा था। पूरे ऊंट जो है सामान लदा हुआ था, तो हर्षवाज जो है बिजनेसमैन में तैयार दी थे। 200 ऊंट पर पूरा गेहूं से लदा हुआ, जब तुम जाकर घर को शाम भेजेंगे, वहां जाके बेचेंगे और फायदा होगा। उसी वक्त ऐलान करते हैं कि लोगों रात को खर्च करो, हर्षवाज ऐलान हो ऊंट को शाम नहीं बेचते हैं बल्कि असल में सवाल कर देते हैं। 200 ऊंट महासाजो सामान के हवाले कर देते हैं, फिर देते हैं, फिर देते हैं, लेकिन 900 ऊंट देते हैं। सिर्फ एक मौके पर 900 ऊंट एक सखो देते हैं और आगे बढ़िए। 29.5 किलो चांदी देते हैं, 29.5 किलो चांदी और 5.5 किलो सोना देते हैं सिर्फ एक मौके पर। क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है? क्या हमारे अंदर वो जिगर है? क्या दिल हमारे अंदर है? क्या हम दे सकते हैं? 100 ग्राम सोना नहीं, एक भरी नहीं, दो भरी नहीं, 5.5 किलो सोना। अंदाजा कीजिए कीमत लगाइए, आज माने से कितना कीमत बनता है। 29.5 किलो चांदी कीमत लगाइए, 900 ऊंट कीमत लगाइए कितना बनता है, 100 घोड़ा सिर्फ एक में कभी दिया है और कितना दिया दान कर दीजिए सिर के बोल देते हैं। अब असलम के सामने हज उस्मान 1000 दिनार तो 5.5 किलो सोना होता है लाकर ठहरा मेरा पास पेश करते हैं। अब असलम उससे सोने को पलट रहे हैं खुशी से आंख से आंसू आ जाता है, कहते हैं इस आज के बाद उस्मान जो करे उसे कोई नुकसान न देगा। माँ सर इब्ने अफान माँ अमर बाद जाऊं उस्मान आपका जो कुछ करे कोई नुकसान न देगा। ये उस्मान है, इतना ऊंचा शान है। नबी कह रहे हैं कि आपका उस्मान जो करे उसे कोई नुकसान न देगा, उस्मान जन्नती है। आज इसी उस्मान को तौहीन करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन हमारे 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 कान में मौजूद नहीं रहती, हमें एहसास नहीं होता है, हम उसका जवाब नहीं देते। ये हमारा जमीर है। मेरे नबी के दामाद नबी के दो बेटी से ब्याही हैं, जब के बाद दिख रहे एक बात दूसरे नबी और उस्मान तीसरे खलीफा हैं और हया के पैकर है, उसको जो है शिया राबजीन की तौहीन करता है, लेकिन हम इसका जवाब नहीं देते हैं। तो मैं ये कह रहा था उस्मान ने इस मौके पर कितना खर्च किया, इतना ही नहीं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी इसी मौके पर 29.5 किलो जो है चांदी दिया था। इसी मौके पर अबू सदीक जो घर जाते हैं, घर के तमाम सामान लेकर आते हैं, हम इतना सामान था हुआ लाकर नबी के हवाले कर देते हैं। इस मौके पर तो मैं फारूक सोचा था कि हम अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं ज्यादा दौलत में जाता हूँ, घर जाते हैं, हर समाज का आधा आधा करते हैं, नबी के सामने पेश कर देते हैं। आप पूछते हैं उमर घर में क्या छोड़ा है, कहा हुजूर आधा आधा ले आया हूँ। सुनते हैं उमर अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा है, कहा हुजूर अल्लाह को नबी को मुल्क छोड़ा है। यहाँ भी अब उमर फारूक कहते हैं ना हम लोगों के मकाम में क्या होता, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये कह रहा था हर उस मौके पर हर सहाबी ने जिसे जो सोचा था अपने खर्च किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐ लोगों अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, इससे माल बढ़ता है। और आज के जो हालात चल रहे हैं, आज जो वक्त चल रहा है, जो ज्यादा मतकाजी है कि खर्च किया जाए। आज इस्लाम
ہیں، ایسے وقت میں ہم میں سے ہر ایک ذمہ داری بنتی ہے اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے، عدالتوں کو جواب دینے کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کریں۔ اور سوال اٹھتا ہے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے، اس سوال بھی اٹھتا ہے کہ مال کہاں دیا جائے، جس کو کیا جائے، تو سن لیجئے، مسجد کی تعمیر میں مال صدقہ دینا چاہیے، مسجد کی تعمیر میں صدقہ دینے دیں گے۔